अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी को देखते हुए देश के विभिन्न राज्यों के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी सोमवार को आधी रात से पेट्रोल व डीजल के दामों में कटौती की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी को देखते हुए देश के विभिन्न राज्यों के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी सोमवार की आधी रात से पेट्रोल एवं डीजल के दामों में कटौती की गई है। जिला सोलन के लोगों ने पेट्रोल व डीजल के दामों में कटौती पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोग महंगाई से तंग हो चुके हैं, लेकिन महंगाई कम नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि कोई भी सरकार आम लोगों को कभी राहत नहीं देती, बल्कि कटौती कम व बढ़ोतरी कई गुना अधिक कर देती है। पहले की अपेक्षा इस बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल में कटौती के कारण लोगों को आशा है कि महंगाई पर लगाम लग पाएगी। पेट्रोल की कीमत कम होने से हमें राहत मिली है, और अगर जिस तरह से कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हो रही है, उस तरह से और कम हो जाए तो हमें बहुत राहत होगी और जो खर्चा है हमारा वो कम होगा। कीमत कम होने से हमारे जेब पे जो भार है वो थोड़ा कम होगा और हम और जो पब्लिक है वो उससे राहत महसूस करेगी। मुझे ये जान के काफ़ी खुशी हुई है कि पेट्रोल के दाम में काफ़ी कटौती की है सरकार ने, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ सरकार स्थिरता लाएं, क्योंकि जैसे पेट्रोल के दाम हर महीने घटते बढ़ते रहते हैं तो काफ़ी जो आम जनता है उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। सिटी चैनल के लिए सोलन से दीपक शर्मा के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट।